जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KHD टेक्निकल में। आज की टॉपिक है मेन लीड या मोटर या किसी उपकरण से आए हरे रंग के वायर का क्या कार्य होता है। मतलब बात ये समझिए, आज हम बताने वाले हैं किसी भी मेन लीड से आप देखेंगे या किसी उपकरण से देखेंगे तो एक हरे कलर का वायर आता है। अच्छा, उस वायर को कभी कभी ऐसा होता है कि कनेक्शन कोई भी मैकेनिक आता है कनेक्शन नहीं करता, मतलब वायर वैसे ही दिखता है लेकिन फिर भी हमारा उपकरण कार्य करता है। तो ऐसा क्यों, मतलब कि क्या उसमें कोई कोई कार्य होता नहीं है हरे रंग का? क्या कार्य होता है, क्या हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है, आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आइए बताते हैं क्यों आवश्यक होता है या नहीं होता है। अच्छा, पहले मेन लीड आप समझ लीजिए, मान लीजिए मेन लीड है, ये आपका मेन लीड हो गया। मेन लीड से तीन वायर निकलते हैं, एक ब्लैक कलर का, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। जो ग्रीन कलर का वायर होता है उसका कार्य क्या होता है, बात यही समझना है। क्योंकि रेड और जो ब्लैक होता है इसका कार्य तो हम जानते ही हैं कि किसी भी उपकरण में हम यदि मतलब ब्लैक का जो न्यूट्रल होता है और रेड जो होता है फेस का होता है, इन दोनों को यदि हम किसी उपकरण में जोड़ देते हैं या इसका कनेक्शन कर देते हैं तो हमारा उपकरण चलने लगता है। बात को समझिएगा, मतलब न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कर देते हैं तो हमारा उपकरण चलता है। तो क्या ये जो हरे कलर का वायर दिया गया है यूं ही दिया गया है? नहीं, इसका भी कुछ कार्य होता है। क्या कार्य होता है, आज वही हम बताएंगे कि क्या कार्य होता है इसका। बात को समझिए, इसमें तीन पिनें निकली होती हैं, एक सबसे मोटी पिन होती है और सबसे लंबी पिन होती है। किसी भी पलक में देखेंगे लगाने से तो उसमें एक सबसे मोटी पिन होती है और लंबी होती है, यानी कि चार्जर में भी आप देख लीजिएगा तो उसमें जिसमें तीन पिनें निकली होती हैं उसमें एक मोटी होती है और सबसे लंबी होती है। तो वो पिन क्यों सबसे लंबी और मोटी दी जाती है, बात को ये भी समझिएगा, इसी से रिलेटेड है ये सब। मान लीजिए यहाँ पे एक फ्रिज हम बना देते हैं, ये हो गया आपकी फ्रिज, ये हो गई फ्रिज। फ्रिज में यहां मान लीजिए कंप्रेसर है, कंप्रेसर इसमें तीन खूंटियां बनी होती हैं, मतलब एक में न्यूट्रल जाता है, एक में फेस, तो हमारा कंप्रेसर चलता है। कोई भी मोटर हो, चाहे कंप्रेसर हो या कोई और मोटर हो, उसमें फेस न्यूट्रल जाएगा तो ये कार्य करेगा, 100% कार्य करेगा। यानी कि अगर हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं और फेस का कनेक्शन कर देते हैं, हम फेस का कनेक्शन कर दिए तो ये हमारा मोटर कार्य करेगा। अच्छा, मतलब ये न्यूट्रल फेस गया तो हमारा उपकरण चलेगा, 100% चलेगा। तो क्या ये जो हरे कलर का वायर है इसका कोई कार्य नहीं होता है? होता है। ये क्यों दिया रहता है, बात को समझिए क्यों दिया रहता है। यदि मान लीजिए इसमें किसी कारणवश ये वायर कट गया, जब काफी पुराना उपकरण हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं या तो तार कट जाता है, जैसे ये जो वायर है कहीं ना कहीं कट जाता है, या फिर कोई उसमें कंपोनेंट जो होता है बॉडी अर्थ हो जाता है। जब बॉडी अर्थ हो जाता है तो पूरे फ्रिज पे हमारे करंट आ जाता है। क्या होता है, पूरे फ्रिज पे करंट आ जाता है। जब करंट आ जाता है तो क्या होता है, जब हम उसको छूते हैं, कभी ऐसा होता है कि अगर हम कुछ जूता उता पहने हैं पैर में तो नहीं महसूस होता है, लेकिन अगर नहीं पहने रहते हैं और छूते हैं तो झुंझुनाहट सा महसूस होता है, मतलब वो झटका मारता है हल्का, तो हमें पता लगता है कि इस पे करंट उतर रहा है। अच्छा, करंट आ जा रहा है तो किस कारण आ जा रहा है, ये भी समझिए। या तो ये कहीं से वायर कटा हुआ है, बीच में जो कटा हुआ है और इसके बॉडी से अटैच है, मतलब फ्रिज के जो उपकरण है चाहे जो उपकरण हो उसके बॉडी से अटैच होगा, मतलब कहीं ना कहीं टच होगा, या फिर कोई उपकरण बॉडी अर्थ हो जाता है। बॉडी अर्थ का मतलब ये समझिए, ये कहीं ना कहीं आपस में बाइंडिंग सट गई होगी जिसके कारण हमारा कंप्रेसर में करंट आ जा रहा है, कंप्रेसर के बॉडी में, और इसकी बॉडी अटैच होती है हमारे फ्रिज की बॉडी से। जब पूरे में करंट आ जाएगा, यदि कोई व्यक्ति इसे छूता है तो उसको करंट लग जाएगा, करंट क्या लग जाएगा समझ लीजिए, खतरा भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो इसी से बचने के लिए हमारा हरे कलर का वायर दिया जाता है।
अच्छा इसको जोड़ते कहाँ है पहले ये समझिए, जोड़ते कहाँ है और कैसे कार्य करता है पहले इसको समझिए। इसको बॉडी में कहीं कहीं पर भी, बॉडी के किसी भी हिस्से में इसे बांध दिया जाता है, मतलब इसको अटैच करवा दिया जाता है। अच्छा इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, यदि कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति या किसी किसी घर में होता है, अब तो अधिकतम सभी लोग फेज और न्यूट्रल का ही वायर खंभे से लेकर आते हैं, लेकिन किसी किसी घर में ऐसा होता है कि एक ही तार आया रहता है, मतलब खंभे से एक वायर आया रहता है, मतलब फेज का वायर ले आते हैं और ग्राउंड करके न्यूट्रल बना लेते हैं, मतलब ग्राउंड करके न्यूट्रल बना लेते हैं, तो क्या हमारी जमीन करंट फेंकती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। अच्छा बात को समझिए, मान लीजिए ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, इसको हम खंभे से फेस दे दिए, मान लो ये खंभा है, ये खंभा हो गया हमारा, और यहां से हम उठा के फेस दे दिए इसमें, और ग्राउंड करके, ग्राउंड से मतलब जमीन से, जमीन में कोई सरिया या लोहे का छड़ गाड़ करके उसमें तार बांध करके हम बल्ब के दूसरे हिस्से में लगा देते हैं, मतलब बल्ब के दूसरे हिस्से में लगा देते हैं, तो हमारा बल्ब कार्य करने लगता है, मतलब हमारा जो भी उपकरण है वो चलने लगता है, यानी कि इसको अटैच करवा देते हैं तो ये फेस इधर से आ रहा था। अच्छा बात समझिए, किसी भी उपकरण में यदि फेस पहुंच गया, मतलब फेस पहुंच गया और पहुंच करके आगे जाने का रास्ता, मतलब फेस आ गया और उसे निकलने का रास्ता मिल गया, ग्राउंड में जाने का रास्ता मिल गया, तो वो हमारा उपकरण कार्य करेगा। बात को समझिए, कैसे कार्य करेगा? यदि हम इसको खंभे से जोड़ते हैं न्यूट्रल से, तब तो हमें यह लगता है कि न्यूट्रल आता है खंभे से। पहली बात तो ये होती है कि अधिकतम लोग नहीं जानते हैं कि न्यूट्रल खंभे से नहीं आता है, खंभे में जो न्यूट्रल का कनेक्शन आता है वो भी ग्राउंडिंग किया रहता है। वो कैसे ग्राउंडिंग किया रहता है? वो आपके ट्रांसफार्मर में एक लोहे के तार के माध्यम से खंभे में जो बीचे बीच में, जो खंभे के बीचों बीच में एक राड पड़ा होता है, उससे एक पिन निकली होती है, जो पिन निकली होती है उसी में से न्यूट्रल का कनेक्शन, जो न्यूट्रल की खूंटी होती है वो पूरे ट्रांसफार्मर के बॉडी से अटैच होती है, उसके बॉडी से एक वायर ले जाके उसके पिन में जोड़ दिया जाता है, जिससे वो पिन के माध्यम से ग्राउंड में चली जाती है, मतलब जब पिन में जोड़ देंगे तो जो खंभे के बीच में राड पड़ा हुआ है उसके माध्यम से वो न्यूट्रल पूरा ग्राउंड में चला, मतलब जो फेस जा रहा है वो ग्राउंड में चला जाता है, मतलब यही प्रक्रिया होता है कि इधर से फेस जाता है और इसके माध्यम, न्यूट्रल के माध्यम से ग्राउंड में चला जाता है, जिससे हमारा उपकरण कार्य करता है। मतलब समझ गए होंगे कि यहां से अगर फेस जा रहा है और फेस निकलने का रास्ता पा गया तो हमारा उपकरण कार्य करेगा। मतलब ये समझिए, यदि इसको हम मतलब फ्रिज में फेस दें और न्यूट्रल बॉडी में, मतलब कहीं ग्राउंड से ले लें न्यूट्रल, तो हमारी फ्रिज कार्य करेगी, मतलब निकलने का रास्ता दे दें तो कार्य करेगी, मतलब ये मतलब उपकरण बन जाएगा, निकलने का अगर रास्ता दे दिए तो ये उपकरण हमारा कार्य करेगा। इसे यही कार्य करता है हमारा ये हरे कलर का वायर जो है, जो इसमें फ्रिज मान लीजिए, इसमें पूरा करंट आ गया था, इसमें करंट आ गया, मतलब फेस उतर गया है, फैल गया है, तो ये इसी वायर के माध्यम से, मतलब इसे कहते हैं करंट लीकेज, मतलब जब करंट लीक हो जाता है, लीकेज हो जाता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो इसी वायर के माध्यम से, अच्छा जो मोटी और बड़ी पिन है यही से अटैच होता है, ये जो मोटी और सबसे लंबी पिन होती है उसी से अटैच होता है। अच्छा लंबी और मोटी क्यों बनाई रहती है, बात ये समझिए, क्या होता है, मान लीजिए ये उपकरण बॉडी अर्थ है, आप इसके प्लग को लगाने गए, तो सबसे पहले अगर अर्थ का नहीं लगेगा, यदि ये फेस और न्यूट्रल का लग गया, फेस का लग गया, इसके बाद इसमें करंट आ गया और आप इसे टच, कहीं टच किए हैं, शरीर से टच है, तो ये आपको तुरंत करंट मारेगा, लेकिन अगर यही लंबी पिन होगी तो सबसे पहले लीड की लंबी, जो सबसे लंबी और मोटी पिन होती है, वही सॉकेट, जो 5 पिन सॉकेट होती है उसमें प्रवेश करेगी, यानी कि सबसे पहले मोटी और लंबी पिन जो है वो हमारे 5 पिन सॉकेट में प्रवेश कर जाती है, जिससे बाद में करंट पहुंचता है। यदि ये बॉडी अर्थ है तो इसी हरे कलर के जो वायर है, इसी के माध्यम से, वो वायर के माध्यम से चला जाता है किसमें, ये आपका एक बॉडी अर्थ, मतलब जब घर की वायरिंग होती है तो उसमें एक वायर उसमें मतलब डलवा दिया जाता है, अगर सब लोग नहीं डलवाते हैं, कोई कोई डलवाता है, मतलब डलवाना चाहिए। सही बात तो ये है कि यदि हमारे घर में
ये अर्थ का जो बॉडी अर्थ का मतलब अर्थ का कनेक्शन किया रहेगा, तो कहीं ग्राउंड में दे देंगे तो कोई भी उपकरण या फिर कहीं पे कभी बरसात के मौसम में देखते होंगे हमारे घर में कुछ दीवार या फिर कहीं छत पे झटका मारने लगता है, यानी कि कहीं करंट लीक होता है, हमारे पूरे घर में करंट फैल जाता है। तो उस कंडीशन में अगर ये वायरिंग किया होगा, मतलब ये अगर कोई भी मैकेनिक या फिर जो आपके घर की वायरिंग करता है वो बॉडी अर्थ का कनेक्शन अगर करके ग्राउंड में दिया रहेगा तो झटका नहीं मारेगा, उसी के माध्यम से चला जाएगा। अच्छा एक बात और समझते हैं, जब इसका हम कनेक्शन कर देते हैं तो ये हमारे शरीर को झटका क्यों नहीं मारता है? बात को ये समझेंगे कि झटका हमारे शरीर को क्यों नहीं मारता है। अच्छा अब बात को समझते हैं, ये झटका हमें क्यों नहीं मारेगा? झटका इसलिए ये हमें नहीं मारेगा क्योंकि वायर का जो प्रतिरोध होता है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जो हरे कलर का वायर प्रयोग किया जाता है अर्थ के लिए, ये ज्यादा से ज्यादा 8 ओम या 9-10 ओम तक प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितना मोटा वायर लगाएंगे उतना हमारे लिए ये सही रहेगा, ज्यादा प्रतिरोध का वायर नहीं लगाना चाहिए। ये प्रतिरोध मतलब क्या होता है, मतलब ज्यादा सुचालक इसमें लगाना चाहिए। जितना वायर पतला रहेगा उतना उसमें प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, जितना वायर मोटा हो जाता है उतना प्रतिरोध उसमें कम हो जाता है। मतलब इसे मोटा वायर प्रयोग करना चाहिए, मतलब 8 से 10 ओम का हमें ये तार यूज करना चाहिए, 8 से 10 ओम प्रतिरोध का ये यूज करना चाहिए। अच्छा व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है, बात ये समझिए, व्यक्ति का जो प्रतिरोध होता है वो 100 के पार ही होता है, 103। अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 103 दिखाएगा, लेकिन ये हर व्यक्ति का अलग होता है। मतलब किसी का 100 होगा, किसी का 99 ही होगा, मतलब थोड़ा बहुत आसपास रहता है। तो इसीलिए अच्छा एक बात बताइए, यदि आप बाइक लेके जा रहे हैं, किसी रोड पे जा रहे हैं, कहीं पर आप बड़ा ब्रेकर पाएंगे और बगल में छोटा ब्रेकर रहेगा, तो आप छोटे ब्रेकर के माध्यम से निकल जाएंगे, ना कि बड़ा ब्रेकर कुदाएंगे। क्यों नहीं कुदाएंगे? क्योंकि उस पर ज्यादा गाड़ी का बल लगेगा, मतलब वो निकलना उचित नहीं होगा। जो सही रास्ता है, जो हल्का रहता है, मतलब जो नॉर्मल रहेगा, उसी से आप निकल जाएंगे। तो यही प्रक्रिया ये करता है, जहां से ये आसान रास्ता पाता है, मतलब जहां से ये अपने को जाने के लिए आसान रास्ता पाएगा वहीं से ये क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये 8 ओम का है या 10 ओम का लगाएंगे, या मान लीजिए 15 ओम का ही लगाते हैं और हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम के आसपास है, तो सबसे अच्छा इसके लिए रास्ता कौन सा होगा? ये वायर के माध्यम से निकल जाएगा और हमारे शरीर को उस स्थिति में करंट नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ हाथ रखेंगे तो झुनझुनाहट महसूस हो सकती है, लेकिन ये आपके शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मतलब बात समझ गए होंगे कि हरे वायर का कनेक्शन करना क्यों आवश्यक होता है। मतलब इसमें उपस्थित यानी कि जो फेस और न्यूट्रल का कनेक्शन किया गया है, कहीं पर इसका वायर लीक मतलब कट गया हो और कटने के बाद बॉडी में पूरे करंट फैल गया हो, इस स्थिति में यदि हमारा अर्थ का कनेक्शन होगा मतलब किया किया रहेगा, मतलब कोई व्यक्ति या मैकेनिक आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैकेनिक आता है या कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो जल्दी जल्दी में बॉडी अर्थ का कनेक्शन नहीं करता, लेकिन करना चाहिए। यदि आप वो कनेक्शन नहीं करेंगे और कोई भी उपकरण, चाहे जो उपकरण हो, यदि पंखा मान लीजिए या आपका कोई भी उपकरण हो, किसी भी प्रकार का उपकरण हो, अगर उसमें बॉडी अर्थ हो गया, आप हाथ रखेंगे तो आपको जान से मार देगा। यदि कनेक्शन नहीं रहेगा तो बॉडी अर्थ का, यदि कनेक्शन रहेगा तो उसी वायर के माध्यम से वो ग्राउंड में चला जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब बात तो समझ गए होंगे कि ये हरे कलर का वायर हमारे लिए क्यों उपयोगी है, पिन भी समझ गए होंगे। बाकी मेन लीड या किसी भी देखेंगे आप, कभी ट्राई करना, किसी भी उपकरण के मेन लीड को जब आप काटेंगे तो उसमें 3 कलर का वायर दिखेगा, एक आपको ब्लैक दिखेगा, एक रेड दिखेगा, एक ग्रीन कलर का दिखेगा। मतलब ये जो ग्रीन कलर का होता है ये हमारे बॉडी अर्थ के लिए होता है, मतलब बॉडी में कहीं भी अटैच कर देंगे, ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ उसका दें, मतलब शरीर में कहीं भी अटैच कर देंगे उसके बॉडी के, मतलब उपकरण के बॉडी में कहीं भी अटैच कर देंगे, तो यदि करंट उसमें फैलता है तो इसी वायर के माध्यम से हमारा करंट चला जाएगा और हमको कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए इसका कनेक्शन जरूरी है। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हम और वीडियो डालें या फिर जितनी वीडियो हमारी पड़ती है आप तक पहुंच जाए। कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।